Assalamu alaikum viewers, welcome in Ayub TV channel. Today my topic is independent test in SPSS. इससे पहले कि हम independent test को apply करें, हम कब ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि T-test के assumptions क्या हैं और कब independent test जो है वो apply किया जाता है, किस तरह का हमारा data हो. सबसे पहले तो ये है कि हमारा डेटा जो है वो कंटिन्यूस और ऑर्डिनल होना चाहिए. जो उसकी मेजरमेंट स्केल्स हैं वो ऑर्डिनल फॉर्म में हों या कंटिन्यूस हों. सेकंड अजम्पशन है कि रैंडमली डेटा को कलेक्ट किया जाए. डेटा कलेक्शन जो है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो. रिप्रेजेंटेटिव्स जो टोटल पॉपुलेशन के हों उनको रैंडमली एक्सेस किया जाए. थर्ड वन अजम्पशन है कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हमारे पास डेटा होना चाहिए. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो. और फिर आपके जो लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटी हैं लेवल ऑफ प्रोबेबिलिटीज स्पेसिफिकली मोस्टली जो है वो 5% अज्यूम्ड की जाती है. फोर्थ अजम्पशन में हमारे पास जो सैम्पलिंग साइज़ है, जो सैम्पल होगा वो लार्ज साइज़ होना चाहिए. हम जब भी इंडिपेंडेंट टेस्ट तब लगाएंगे और बिल शेप्ड हो और होमोजेनिटी होनी चाहिए हमारे वेरिएंस में. जब हम होमोजेनियस और इक्वल वेरिएंस एग्जिस्ट करे, जब भी हम उसके ऊपर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैम्पल इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल जब उसको अप्लाई करें, तो उसकी वेरिएंस दो ग्रुप अनरिलेटेड ग्रुप होते हैं जो रिलेट नहीं कर रहे होते. जब भी हमारे पास दो अनरिलेटेड ग्रुप्स के बीच का कंपैरिजन करना होता है तो उस वक्त हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट जो है वो लगाते हैं. और जब हम इंडिपेंडेंट टी टेस्ट लगाएं अनरिलेटेड टू ग्रुप्स की, तो उसके जो वेरिएंस है वो इक्वली एग्जिस्ट करें.